नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कुछ विशेषताएं होती हैं सैनिक स्कूल्स में, क्यों आपको अपने बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं फटाफट से पहली विशेषता के बारे में। सैनिक स्कूल CBSE बोर्ड के से मान्यता प्राप्त होते हैं। सैनिक स्कूलों में CBSE बोर्ड के जो चैप्टर होते हैं वो सारे लागू होते हैं। CBSE बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई होती है। दूसरी विशेषता की बात करें तो सैनिक स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। यहीं पर अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें तो सैनिक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की प्रैक्टिस, निशानेबाजी, घुड़सवारी समेत तमाम तरह के फिजिकल एक्टिविटी भी करवाई जाती हैं, ट्रेनिंग भी करवाई जाती हैं। इसके अलावा चौथी विशेषता की बात करें तो सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को आर्म फोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। पांचवी विशेषता की बात करें तो सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय की सोसाइटी सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को देश की रक्षा सेवाओं में अधिकारियों के रूप में तैयार किया जाता है। उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो देश की रक्षा सेवाओं में बड़े अधिकारियों के रूप में भी तैयार हो सकें, बड़े अधिकारियों के रूप में तैनात हो सकें। देश में अब तक कुल 33 से अधिक सैनिक स्कूल मौजूद हैं। इसके अलावा 21 नए और सैनिक स्कूल खोले जाने बाकी हैं जो कि जल्द ही खुल सकते हैं। सैनिक स्कूलों ने देश को अब तक अनेकों बड़े अधिकारी दिए हैं, जिसमें अगर हम बात अकेले चित्तौड़गढ़ की करें तो देश को अब तक 1 जनरल एवं 11 लेफ्टिनेंट जनरल दिए हैं। यहाँ से पढ़े हुए दलवीर सिंह सुहाग सेना के जनरल यानी कि आर्मी चीफ बने हैं। इसके अलावा एक सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, एक राज्यपाल, 6 IPS, 15 मेजर जनरल और कई बड़े अधिकारी देश को दिए हैं। स्कूल्स में क्लास 6 और 9th क्लास में एडमिशन होते हैं। आप अपने बच्चे का एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म भर करके करवा सकते हैं। एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बाद आपके बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो पाता है। तो दोस्तों, इस बारे में हम विस्तार से एक नया वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अपने बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल्स में करवा सकते हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।